योग परमेश्वर नाल जुड़न नू कहिंदे हन। योग चार किस्म का होता है। अधिकार के मुताबिक उसके नाम मुंदरजा जैल है। नंबर एक भगत योग, नंबर दो सुरत शब्द योग, नंबर तीन हठ योग, ज्ञान योग, इसको राज योग भी कहते हैं। विशेष निर्णय, नंबर एक भगत योग, वाहिगुरु से भक्ति मार्ग द्वारा जुड़ना, जो कि नौ किस्म की है। श्रवण, कीर्तन, सिमरन, बंदन, अर्चन, प्रार्थना, दासा भाव, सखा जा सखी भाव, आत्म निवेदन। दो से शुरू होकर एक में खत्म है। नंबर दो सुरत शब्द योग, अपने सुरत को शब्द में जोड़कर प्रभु को मिलना। बैखरी, मध्यमा, पसंती और परावाणी से उठकर मस्तक में त्रिकटी और दसवां द्वार में अनहद शब्द सुनना है। प्राणायाम, अष्टांग योग, पूरक, कुंभक और रेचक द्वारा प्राण दसम द्वार में स्थित करने। नंबर चार ज्ञान योग, सब कुछ गोविंद जानकर अपनी बुद्ध को ब्रह्म में लीन करना। गुरु और शब्द से बगैर तमाम दुश्मन हैं। लोक और परलोक का सुख देने वाले गुरु ही हैं। इस वास्ते गुरु और शब्द से आशकी लगाओ। ए मन, गुरु को मनुख मत मान। बहु सतपुरुष का रूप है, सिर्फ मनुख देहतारी है और सब कुछ गुरु ही है। तुम्हारा मोक्ष रूपी कारज गुरु से ही सिद्ध होगा, इसमें रंचक संशय नहीं है। जिस वक्त अभ्यास करते करते चित्त की शुद्धि और एकाग्रता हो जाएगी, उसके बाद आत्म खोज शुरू होगी। मैला और विक्षेप मन नहायत दुखी होता है, एकाग्र मन शांत होता है, निरोध मन उससे भी ज्यादा शांत होता है, और अमन हुआ मन तो मोक्ष का दाता होता है। मन की एकाग्रता और अंतर्मुखता में मुंदरजा जैल साधन भी मददगार है। विवेक, बैराग, सम, दम, उपरामता, प्रतीक्षा, श्रद्धा, समाधान, इन साधनों द्वारा किया हुआ अभ्यास और ध्यान मन को बहुत जल्दी एकाग्र करता है। इन चार किस्म के योग में तीन पहले तो मन की शुद्धि और एकाग्रता का साधन है, और ज्ञान योग ज्ञान के बाद की अवस्था है, जो कि हर वक्त ही बना रहता है। जिसको ज्ञान योग का अभ्यास परपक्क हो जावे, उसको परमेश्वर से कभी भी वियोग नहीं होता, और यह योग हर वक्त ही बना रहता है। इसी वास्ते तो कहा है, ज्ञान योगी की हमेशा ही समाधि है, वो कभी भी टूटती नहीं, और 8 पहर 64 घड़ी और 24 घंटे उसको आनंद यानी परमानंद बना रहता है। उस ज्ञान योगी की 33 करोड़ देवता और मुख देवता शिव, ब्रह्मा और विष्णु भी नमस्कार करते हैं, और 3 लोक 14 पवन में वह सब लोगों को पूजन योग और धन्य है। शरीर को त्याग कर वह फिर जन्म नहीं धारता, हमेशा वास्ते विदेह मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। जवान से सिमरन करना वैखरी वाणी कहलाता है, और कंठ में सिमरन करना मध्यमा वाणी है। हृदय अवस्था में पसंती वाणी कहलाती है, और नाभि में सिमरन करना परावाणी कहलाती है। श्वास श्वास नाम सिमरन करना कंठ और नाभि के दरमियान होता है, और सिर्फ नाभि स्थान में श्वासों को छोड़कर अभ्यास करना गुरमुख रोम रोम त्यावे है। यहाँ तक 4 वाणियां खत्म हो जाती हैं, और इनका फल वैखरी से शुरू होकर परा तक 10-10 गुना होता जाता है। इससे ऊपर मस्तक में त्रिकटी स्थान में वृत्ति का टिकाव है, और उससे ऊपर 10वां द्वार है। इन स्थानों में अनहद शब्द सुनाई देते हैं, और रोशनियां भी दिखाई देती हैं।
इन तमाम से ऊपर निराकार देश है, जहाँ शब्द और रोशनी वगैरह कुछ नहीं, सिर्फ निराकार और निर्विकल्प अवस्था है, जहाँ मन में निर्विकल्प वस्तु का पूरा पूरा अक्स पड़ता है। मोक्ष या परम पदवी या परमानंद प्राप्ति के चार द्वारपाल हैं, वह मुंदरजा जैल है। नंबर एक सम, नंबर दो संतोख, नंबर तीन विचार, नंबर चार सत्संग। नंबर एक सम, मन की एकाग्रता या अंतर्मुखता का नाम है। जितने दुख हैं मन के विक्षेप में हैं और सुख तमाम मन की एकाग्रता में। नंबर दो संतोख कहते हैं जो कुछ भी प्रारब्ध अनुसार प्राप्त है, उसमें ही खुश रहना और ज्यादा की ख्वाहिश बिल्कुल मन में न होनी। संतोखी पुरुष का चित्त परम शांत होता है और सुखी होता है। नंबर तीन विचार कहते हैं ज्ञान को। इंसान दो चीजों का बना है, यानी जिस्म और रूह, यानी शरीर और जीव आत्मा। इसमें जीव आत्मा का स्वरूप है सत चित आनंद और जिस्म का स्वरूप है असत जड़ दुख रूप। अपना आप है सत चित आनंद और शरीर से अलहदा है। इसी तरह तमाम संसार को विचारना कि इसमें सत चित आनंद परिपूर्ण परमात्मा है, जो कि मेरा अपना स्वरूप है। नंबर चार सत्संग। सत्संग कहते हैं ब्रह्म ज्ञानी महापुरुष की सत्संग को या उनको वचन पढ़ने सुनने को। सत आत्मा में वृत्ति लीन करना है। अब आत्म विचार शुरू होती है, क्योंकि मन की शुद्धि और एकाग्रता पूरी पूरी हो चुकी है। तीन शरीर स्थूल सूक्ष्म कारण और पांच कोश अन्नमय कोश प्राणमय कोश मनोमय कोश विज्ञानमय कोश और आनंदमय कोश से परे आत्म वस्तु है, जो कि सबका अपना आप और सत चित आनंद परिपूर्ण है। जैसे पांच पर्दों में छुपी हुई चीज देखने के लिए उन पर्दों को हटाना पड़ता है, वैसे आत्मदेव के दर्शनों के लिए ऊपर को पांच कोश रूपी पर्दे विचार से दूर करके आत्म दर्शन हुआ करते हैं। या जैसे पानी को ऊपर जाला होता है, उस जाले को हटाकर पानी का दर्शन किया जाता है। इसी तरह आत्मा के ऊपर पांच कोश बातें श्री रूपी जाला है। इसको आत्म विचार के बल से दूर करके अंदर आत्मा के दर्शन होते हैं, जो आत्म वस्तु हमेशा ही एक रस और अपने आप में स्थित है। तत्वेत्ते या ब्रह्म ज्ञानी लोग मन को नीचे छोड़कर आत्मक तबके में स्थिति रखते हैं, जैसे एक कागज के ऊपर दो तस्वीरें, एक खड़े घोड़े की और दूसरी दौड़े जाते की। कागज को इससे क्या, आत्मा तो हर वक्त ही निराकार निर्विकल्प परमानंद और परिपूर्ण है और अपनी आत्मक अवस्था में हमेशा ही अस्थित है और उससे कभी भी गिरता नहीं, जैसे पत्थर अपनी कठोरता में हमेशा ही अस्थित है, पानी अपनी द्वरता में हमेशा ही अस्थित है, आकाश अपनी शून्यता में हमेशा ही अस्थित है। इसी तरह आत्मा अपनी आत्मता में हमेशा वास्ते ही अस्थित है और कभी भी अपने निर्विकल्प स्वरूप से नहीं गिरता। तभी तो उसको अच्युत कहा है और मन का स्वरूप संकल्प और विकल्प है। आत्मा ही हमेशा ही समाद रूप है। आत्मनेष्ठी पुरुष हमेशा ही आपके निर्विकल्प जानते हैं और इसी निष्ठा में स्थित रहते हैं। मन एकाग्र से उसका कुछ बढ़ता नहीं और मन के दौड़ने से उसका कुछ घटता नहीं, तो वह निर्विकल्प समाध खुद है। आत्मदेव जो के परमात्म देव से अलहदा हरगिज हरगिज नहीं, उसको अंदर ही खोजना या ढूंढना पड़ता है। आत्म ढूंढ या आत्म खोज मन की शुद्धि और एकाग्रता के बगैर हो नहीं सकती। फरीदा जंगल जंगल क्या पवे, बन कंडा मोड़े है, वसी रब ही आली है, जंगल क्या ढूंढे है। टड्डा ढूंढत कह फिरन, टड्डा ढूंढत कह फिरो,
ढूंढन एया मन माहे, संग तुहारे प्रभ वसै, बन वन कहाँ फिराहे। काहे रे मन खोजन जाई, सर्वनवासी सदा अलोपा, तो ही संग समाई। इन ऊपर को गुरु वचनों से सिद्ध होता है, इन ऊपर के गुरु वचनों से सिद्ध होता है कि वाहिगुरु हमेशा अंदर ही है, लेकिन उसको ढूंढने के लिए अंदर ही खोजना पड़ेगा। खोजना आत्म विचार से होता है, क्योंकि उस सूक्ष्म को देखने के लिए सूक्ष्म और विचार रूपी आँख ही है। वाहिगुरु और संत एक रूप है। संतन की सेवा ते प्रसन्न होत श्रीकंत सेवा ते प्रसन्न होत संत हैं। संतन के देखने से दर्शन होत श्रीकंत देखने से दीख जात संत हैं। श्रीकंत कोपै जापै तापै, श्रीकंत कोपै जापै, श्रीकंत टरै तापै टरै संत हैं। नंद परमात्म अचंभ होए विचार करै, संत श्रीकंत हैं के कंत श्री संत हैं। संतह को मत कोई निंदो, संत राम है एको। नानक साध प्रभ भेद न पाई। दुनिया में सिर्फ दो चीजें पाई जाती हैं, एक आत्मा या परमात्मा, दूसरी उसकी माया या शक्ति। क्योंकि जिस वक्त परमात्मा को इच्छा हुई कि मैं एक से बहुत हो जाऊं, तो ऐसी ख्वाहिश को माया कहा जाता है। इससे तमाम संसार रचा गया, जैसे जादूगर के ख्याल से तमाम खेल बन जाता है और देखने वालों को सच्चा प्रतीत होता है। इसी तरह ये दुनिया परमेश्वर से हुई है। उस माया से ब्रह्मा शिव विष्णु तीन गुण संपन्न देवता हुए, और रजो तमो सतो गुण से सूक्ष्म भूत प्रगट हुए, और सूक्ष्म भूतों से अस्थूल भूत हुए, और इन अस्थूल भूतों से तमाम दुनिया चार खानी चार वाणी और 84 लाख जून हुए। इसी तरह से निराकार एक से अनेक और सूक्ष्म से अस्थूल हुआ गुरवाणी। तू पेडो साख तेरी फूली, तू पेडो साख तेरी फूली, तू सूक्ष्म हुआ अस्थूली, मानस जन्म दुलंब है। निरंकार की सृष्टि में 84 लाख जूनियां हैं, जिनमें आला मानस जूनी है, जिसको असरफ उल मखलूकात कहा जाता है, यानी तमाम जूनियों का बादशाह माना गया है। इसकी सफलता के तीन मुख्य साधन हैं। नंबर एक सत्संग, नंबर दो भजन, नंबर तीन सेवा। सवालात, अरदास की सफलता के असूल कौन कौन है? नाम कीर्तन और उसका महात्म क्या है? सुखमनी साहिब के पढ़ने का तरीका क्या है और उसका फल क्या है? जपजी साहब के पाठ का तरीका और महात्म क्या है? गुरवाणी और नाम तमाम कामना पूरी किस तरह से करता है? अनहद शब्द और दूसरे नाम में क्या फर्क है और फल कैसे हैं? वर्ण आत्मिक और धुन आत्मिक, आगे इनके जवाब दिए जाते हैं। कुंजवत सिमरन, कछुवत ध्यान, हंसवत ज्ञान। जवाबात, अरदास की सफलता के चंद सुनहरी असूल है, जिनको अमल में लाने से अरदास मंजूर होती है, और सर्वशक्तिवान अकाल पुरख वाहिगुरु जी से बहुत सारे काम सिद्ध करवाए जा सकते हैं। अरदास करने वाले का ख्याल पूरा एकाग्र होना चाहिए, इससे बगैर अरदास मंजूर नहीं हो सकती। जैसे वलव में दो तारे होती हैं, नेगेटिव और पॉजिटिव, जितनी देर तक दोनों का कनेक्शन पूरा नहीं मिलता, उतनी देर तक बल्ब में रोशनी नहीं हुआ करती। इसी तरह से जितनी देर तक अरदास करने वाले प्रेमी अपने ख्याल को अपने वाहिगुरु जी के चरणों में पूरा एकाग्र नहीं करता,
उतनी देर तक अरदास मंजूर नहीं हुआ करती। अपने गुरु या परमेश्वर में श्रद्धा पूरी होनी जरूरी है। श्रद्धाहीन की अरदास मंजूर नहीं हुआ करती, क्योंकि श्रद्धा बहुत ही ताकत वाली चीज है। श्रद्धा एक जगह ही होनी जरूरी है, जगह जगह नहीं चाहिए। श्रद्धा ऐसी होनी जरूरी है जैसे एक बच्चे की अपनी माँ हुआ करती है। श्रद्धा ऐसी होनी जरूरी है जैसी एक बच्चे की अपनी माँ पर हुआ करती है। अरदास किसी की बुराई वास्ते नहीं करनी चाहिए, शुभ भावना होनी जरूरी है। अरदास दो किस्म की होती है, निष्काम और सहकाम। नंबर एक, गुरु परमेश्वर से सिर्फ नाम और भक्ति मांगना और मन की एकाग्रता नाम से और प्रेम बढ़ना और तमाम विघ्न दूर होकर वाहिगुरु के अर्थ जन्म लगे और वाहिगुरु प्राप्ति हो गए, यह निष्काम अरदास कहलाती है। नंबर दो, दुनियावी जरूरियात जो कि जिस्म के निर्वाह वास्ते लाजमी होती है, मांगना सहकाम अरदास कहलाती है। उससे आगे चलकर जिस वक्त के आपको निष्प्रपंच अगोचर अशरीरी आवाज और अफुर जान लेता है, अरदास नहीं की जाती। अपने निज स्वरूप में स्थित रहना ही आला अरदास है। बिन बोलिया सब किछ जानदा, किस आके कीचे अरदास। सतनाम श्री वाहिगुरु। जत संजम तीरथ उना जुगा का धर्म है, कलम है कीर्त हर नामा, जुग जुग आपो अपना धर्म है, सोध देखो वेद पुराना। सुखमनी साहिब का एक पाठ किए से 8 पहर के सांस सफल हो जाते हैं और 2 पाठ रोजाना करने से 1 महीने में श्री गुरु ग्रंथ साहिब के पाठ का फल होता है। पाठ प्यार से और समझ कर करना चाहिए ताकि मन की एकाग्रता जल्दी हो जावे। श्री जपजी साहिब का पाठ बहुत ही अच्छा है। समझ कर और एकाग्र चित से और शुद्ध पाठ करने से गुरु की अजहद खुशी होती है और 10 पाठ रोज करने से 1 माह में श्री गुरु ग्रंथ साहिब के पाठ का महत्व है। कलयुग में कीर्तन प्रधाना, गुरमुख जपिए लाए ध्याना, आप तरह सगले कुल तारे, हर दर्ग है पीत स्यो जायदा। वर्ण आत्मिक नाम और तुन आत्मिक नाम। वाहिगुरु वर्ण आत्मिक नाम वाहिगुरु शब्द है। अजप्पा और जाप किया जाता है शुद्धि और वृत्ति का चढ़ाना। तुन आत्मिक नाम अनहद शब्द, सिर्फ अंदर तुन प्रकट होती है, सिर्फ वृत्ति का चढ़ाना। रोशन जमीर महापुरुष। रोशन चिराग से ही बुझे हुए चिराग रोशन हो सकते हैं। बुझे हुए चिराग दूसरे बुझे हुए चिरागों को रोशन नहीं कर सकते। इसी तरह से ज्ञानवान महापुरुषों से ही अज्ञानियों को ज्ञान की रोशनी मिल सकती है। अज्ञानियों से ज्ञान की रोशनी नहीं मिल सकती और अंतःकरण का अज्ञान रूप अंधेरा दूर नहीं हो सकता, जो कि तमाम दुखों का मूल है। इसलिए ही ब्रह्म ज्ञानी संत महापुरुष की संगत की अजहद जरूरत है। ज्ञान अंजन गुर दिया, अज्ञान अंधेर विनाश, हर कृपा ते संत भेटिया, नानक मन प्रगास। जिस वक्त रोशन जमीर महापुरुष की संगत से ज्ञान की रोशनी मिली, उस रोशनी में यह नजर आया, सत्संग अंदर प्रभ डीठा, सत्संग अंतर प्रभ डीठा, नाम प्रभु का लागा मीठा, सगल समग्री एकस्कट माहे, अनेक रंग नाना दृष्टाहे, नवनिद अमृत प्रभ का नाम, देही मह इसका विश्राम,
सुन समाद अनहत तहनाद कहन न जाई अस अचर्ज विस्माद। तिन देखिया जिस आप दिखाए नानक तिस जन सोझी पाए। ज्ञान की रोशनी में ऐसा नजर आता है जो के ऊपर लिखा है। संसार दरअसल ये दृश्य एक अद्वैत वस्तु ही है जो के सब चित आनंद और पूरन है। आत्म वस्तु से बगैर ना कुछ था ही और ना है ही और ना होगा ही। लेकिन अज्ञान के अंधेरे में ऐसा नजर नहीं आता, सिर्फ संसार ही संसार नजर आता है। जिस वक्त गुरु से ज्ञान की रोशनी अधिकारी जनों को मिलती है उस वक्त ही एक अद्वैत आत्मा ही नजर आने लग जाता है जो कि असल है और अज्ञान रूप अंधकार के वक्त तमाम दुखी उस वक्त दूर हो जाते हैं। और ये पुरुष अमृत होता हुआ ही अमर हो जाता है। इसी वास्ते भगत कबीर साहेब फरमाते हैं, कहो कबीर मन भया आनंदा गया परम रहया परमानंदा। ये भगत हर का रूप हो गया जो के पहले ही हरि रूप था और अज्ञान से संसार वास्ता था। जैसे अंधेरे में पड़ी हुई रस्सी परम से सांप प्रतीत होने लगती है और दुख और अशांति का वायस बन जाया करती है। जिस वक्त रोशनी लाकर देखी जाती है तो रस्सी के बगैर सांप कहीं भी नजर नहीं आता। दुख और अशांति डर और कंपा सब ही शकलख्त दूर हो जाते हैं जो कि मिथ्या परम के वायस थे। इसी तरह से जब ज्ञान की रोशनी से इस दृश्य को देखा जाता है तो यह सिवाय सत चित आनंद पूर्ण अद्वैत वस्तु के बगैर कुछ भी नजर नहीं आता। डर और कांपा दुख और अशांति उसी वक्त दूर होकर सिर्फ परमानंद और जीवन मुक्त अवस्था प्राप्त हो जाती है और प्रारब्ध खसे होने तक जे शरीर बना रहता है, फिर देह केवल प्राप्त हो जाती है। सुन मंडल एक जोगी वैसे नार न पुरख कहो हो को कैसे। नौदा भक्ति मार्ग की नौ भूमिकाएं हुआ करती हैं जिनको नौदा भक्ति के नाम से पुकारा जाता है और वह मुंदरजा जैल नामों से प्रसिद्ध हैं। सर्वन कीर्तन सिमरन बंधन अरदास अर्चन दासापाव सखा या सखी पाव आत्म निवेदन। नंबर एक, बिरति को एकाग्र करके श्रद्धा से वाहिगुरु का जस सुनना सर्वन भक्ति है। नंबर दो, प्रेम से वाहिगुरु के भजन गायन करने कीर्तन भक्ति है। नंबर तीन, प्रेम से वाहिगुरु के नाम को सिमरन करना ही सिमरन भक्ति कहलाती है। नंबर चार, अपने इष्ट देव को या संतों को नमस्कार करनी बंधन भक्ति है। श्रद्धा पूर्वक एकाग्र चित से अपने वाहिगुरु के चरणों में अरदास करना। नंबर छः, धूप दीप करना या सेवा करना अर्चन भक्ति है। नंबर सात, वफादार नौकर की तरह अपने वाहिगुरु की सेवा में त्यार वर त्यार रहना दासा भाव है। नंबर आठ, जैसा अपने प्यारे दोस्त से प्यार होता है वैसा वाहिगुरु से होना सखा या सखी भाव है। नंबर नौ, अपना सब कुछ मैं मेरी तक भी वाहिगुरु की पेट चढ़ा देना ये मुक्त अवस्था है आत्म निवेदन है। ज्ञान की सात भूमिकाएं होती हैं, बिरति को संसार से उठाकर निर्विकल्प आत्मा में लिवलीन करने के वास्ते हुआ करती हैं। ये अवस्थाएं या भूमिकाएं मन की होती हैं। आत्मा तो एक रस है और अपने आप में हमेशा के लिए अस्थित है और अपनी अबचल स्थिति से हरगिज नहीं गिरता। मन वृत्ति को आहिस्ता आहिस्ता बाहर से रोककर अंतर आत्मा में लीन करने के लिए
यह भूमिकाएं मानी गई हैं। यह मुंदरजा जैल नामों से पुकारी जाती हैं। नंबर एक शुभ इच्छा, नंबर दो सुविचारना, नंबर तीन तन मानसा, नंबर चार सतबापती, नंबर पांच असंस्कृति, नंबर छः पदार्थ भावनी, नंबर सात तुरिया। पहली तीन जिज्ञासु की होती हैं और चौथी भूमिका ज्ञानवान की, जिसमें जन्म बंद हो जाता है और आखिरी तीन जीवन मुक्त की हुआ करती हैं। मानुक शरीर इसी वास्ते है। पहली भूमिका देवकंधारी महला पंजमा, प्रभ एह मनोरथ मेरा कृपा निदान दयाल मोहे, दीजे कर संतन का चेरा रहाओ, प्रातः काल लागौ जन चरणी, निस्वासुर दर्श पावो, तन मन अर्प करो जन सेवा, रसना हर गुण गावो, सास सास सिमरो प्रभ अपना, सत्संग नित रही है, एक आधार नाम धन मूरा, आनंद नानक एह लही है। सातवीं भूमिका श्लोक, तीन व्यापै जगत को, तुरिया पावे कोए, नानक संत निर्मल पै, जिन मन वस्या सोए।